डियर एमएससी जूलॉजी स्टूडेंट्स, जूलॉजी का फर्स्ट पेपर एमएससी क्लास एमएससी फाइनल। जूलॉजी फर्स्ट पेपर में एक टॉपिक है ऑस्ट्रेकोडर्म। आज हम डिस्कस करते हैं ऑस्ट्रेकोडर्म। ऑस्ट्रेकोडर्म्स ग्रीक वर्ड ऑस्ट्रेकोन, ऑस्ट्रेकोन से ऑस्ट्रेकोडर्म ग्रीक वर्ड ऑस्ट्रेकोन से लिया गया है। तो आप लिखें ग्रीक वर्ड जी आर डॉट ऑस्ट्रेकोन मीन्स शेल और डर्मा माने स्किन। डर्मा माने क्या होता है? स्किन होता है। ऑस्ट्रेकोडर्म्स में एक्सटिंक्ट ऑर्डर्स हैं। ऑस्ट्रेकोडर्म्स में प्रिमिटिव आर्मर्ड ARMURED आर्मर्ड एग्नेथोस्टोम्स आते हैं। ऑस्ट्रेकोडर्म्स इंक्लूड प्रिमिटिव आर्मर ARMURED एग्नेथोस्टोम्स। ऑस्ट्रेकोडर्म्स पैलियोज़ोइक एरा में ओरिजिनेट हुए थे। दे वर ओरिजिनेटेड इन पैलियोज़ोइक में उत्पन्न हुए थे। पैलियोज़ोइक PALAEOZYC वर्ल्ड फर्स्ट वर्टिब्रेट्स हैं। सबसे पहले हम ऑस्ट्रेकोडर्म्स की टैक्सोनॉमिकल पोजीशन को स्टडी करते हैं। फाइलम कॉर्डेटा, डिवीज़न, फाइलम लिखा हमने कॉर्डेटा, फिर लिखें ग्रुप क्रेनिएटा CRANIATA क्रेनिएटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, डिवीज़न एग्नेथा, एग्नेथा मीन्स विदाउट ट्रू जॉ, JAWS एग्नेथा है, इसलिए इसमें पेयर्ड अपेंडेजेस एब्सेंट है। पेयर्ड PAIRED पेयर्ड अपेंडेजेस एब्सेंट। इंटरनल ईयर में दो सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं। इंटरनल ईयर विद टू सेमी सर्कुलर कैनाल्स, देख लें बिल्कुल लिखिए, इंटरनल ईयर में दो सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं। नोटोकॉर्ड एडल्ट में पाई जाती है। नोटोकॉर्ड परसिस्ट इन एडल्ट, क्लास ऑस्ट्रेकोडर्म, नए से लिखिएगा, ऑस्ट्रेकोडर्म्स आर एनएमनियोटास, ऑस्ट्रेकोडर्म्स एनएमनियोट हैं, ANAMNIOTE एनएमनियोट हैं। ऑस्ट्रेकोडर्म्स क्या है? एनएमनियोट हैं। एग्जाम्पल लिखते हैं इसका, एक सेफेलेप्सिस, CEPHALASPIS स्टूडेंट्स नोट्स बनाया। ऑस्ट्रेकोडर्म, ऑस्ट्रेकोडर्म, इसकी पहले टैक्सोनॉमिकल पोजीशन लिखें। फाइलम कॉर्डेटा, फाइलम क्या है? कॉर्डेटा है। सब फाइलम वर्टिब्रेटा, पहले आप लिखें फाइलम कॉर्डेटा, फिर लिखें ग्रुप
क्रेनिएटा, सबफाइलम, वर्टिब्रेटा, डिवीजन, एगनेथा, सुपर क्लास स्पीसीज, क्लास ऑस्टेकोडर्म। इनका कॉमन नेम क्या है? इनका कॉमन नेम है आर्मर फिश, ARMORED, आर्मर्ड फिश, और बोनी स्किन फिश। अगला पॉइंट है ओरिजिन के आगे लिखें 500 मिलियन ईयर्स एगो। ब्रैकेट लिखेंगे लेट कैम्ब्रियन, CAMBRIAN, लेट कैम्ब्रियन पीरियड। नेक्स्ट हेडिंग है हैबिटेट, इनकी हैबिटेट लिखें, हैबिटेट है फ्रेश वाटर बॉटम ड्वेलर्स, DWELLERS। एंसेस्टर लेकिन के इनके एंसेस्टर हैं सेसाइल यूरोकॉर्डेट, SESSILE यूरोकॉर्डेट, URO CHORDATE यूरोकॉर्डेट। नेक्स्ट हेडिंग है पेकुलियर फीचर ऑफ ऑस्ट्रेकोडर्म, PECULIAR, फीचर ऑफ ऑस्ट्रेकोडर्म, OSTRACODERM, ऑस्ट्रेकोडर्म। पहला पॉइंट लिखें फर्स्ट वर्टिब्रेट हैं। यस, दूसरा पॉइंट लिखें आर्मर्ड फिश, ARMORED, आर्मर्ड फिश, जॉलेस वर्टिब्रेट। इनमें जॉ नहीं था ना, तभी तो इनको हमने किस में रखा, एगनेथा में रखा है। जॉलेस वर्टिब्रेट, JAWLESS। नेक्स्ट पॉइंट है दे लिव्ड इन फ्रेश वाटर। नेक्स्ट पॉइंट है बॉटम ड्वेलर्स। साइज देखें इनका, साइज कितना है 30 सेंटीमीटर। इनकी लेंथ है 30 सेंटीमीटर तक की। नेक्स्ट पॉइंट है पेयर्ड फिन एब्सेंट। नेक्स्ट पॉइंट मीडियन और कॉडल फिन्स वर प्रेजेंट। मीडियन और कॉडल फिन्स पाए जाते थे। कॉडल फिन हेट्रोसर्कल था। इनका कॉडल फिन कैसा था? हेट्रोसर्कल था। कॉडल फिन CAUDAL, कॉडल फिन। हेट्रोसर्कल HETEROCERCL। नेक्स्ट पॉइंट हेड एंड थोरैक्स बोथ वर कवर्ड बाई हैवी बोनी आर्मर। हेड और थोरैक्स दोनों ही हैवी बोनी आर्मर, ARMORED, आर्मर से कवर्ड थे। हेड एंड थोरैक्स बोथ वर कवर्ड बाई हैवी बोनी आर्मर। नेक्स्ट पॉइंट स्कल बोनी। इनकी स्कल कैसी थी? बोनी थी। माउथ कैसा था इनका? वेंट्रली प्लेस्ड माउथ, VENTRA, वेंट्रली प्लेस्ड माउथ। नेक्स्ट पॉइंट लार्ज नंबर ऑफ गिल स्लिट्स। नेक्स्ट 10 pair cranial nerves वर प्रेजेंट, 10 जोड़ी cranial nerves पाई जाती थी। 10 pair cranial nerves वर प्रेजेंट।
नेक्स्ट पॉइंट, लेटरल आइज केवल एक जोड़ी थी, ए सिंगल पेयर ऑफ लेटरल आइज, ए सिंगल पेयर ऑफ लेटरल आइज, केवल एक जोड़ी लेटरल आइज पाए जाते थे। सिंगल मीडियन पीनियल आई, ठीक है, सिंगल मीडियन पीनियल आई प्रेजेंट, सिंगल मीडियन पीनियल पी ई एन आई ए एल पीनियल आई पाई जाती थी। नेक्स्ट, देवर फिल्टर फीडर, फिल्टर फीडर थे, देवर फिल्टर फीडर, देवर फिल्टर फीडर। नेक्स्ट पॉइंट है एंडोस्केल्टन बोनी एंड कार्टिलेजनस, एंडोस्केल्टन का बोनी और कार्टिलेजनस था, एंडोस्केल्टन, एंडोस्केल्टन बोनी एंड कार्टिलेजनस, एंडोस्केल्टन बोनी और कार्टिलेजनस था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल थे। नेक्स्ट पॉइंट है क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन में लिखें पहला पॉइंट फोर ऑर्डर, इसके अंतर्गत चार ऑर्डर आते हैं, इट इंक्लूड्स फोर ऑर्डर, ठीक है, ऑस्ट्रकोडर्म क्लासिफाइड इनटू फोर ऑर्डर। पहला ऑर्डर लिखें यू फेनेरिडा, ई यू पी एच ए एन ई आर आई डी ए, ई यू पी एच ए एन ई आर आई डी ए, पहला पॉइंट, रिप्रेजेंट बाय सिंगल जीनस, रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल जीनस जेमोटाइज, जे ए एम ओ वाई, जे ए एम ओ वाई टी आई ए एस, जेमो जेमो जेमोटाइज, जे ए एम ओ वाई टी आई ए एस। नेक्स्ट पॉइंट फर्स्ट वर्टिब्रेट, फर्स्ट वर्टिब्रेट। नेक्स्ट पॉइंट लिव्ड इन सिलूरियन पीरियड, या दे वर लिव्ड इन सिलूरियन पीरियड, सिलूरियन पीरियड में रहते थे, एस आई एल यू आर आई ए एन। नेक्स्ट पॉइंट स्ट्रीम लाइन बॉडी, स्ट्रीम लाइन बॉडी शेप, एस टी आर ई ए एम एल आई एन ई डी, स्ट्रीम लाइन बॉडी शेप। नेक्स्ट पॉइंट जॉज एबसेंट, इनमें जॉ एबसेंट था, इनमें जॉ एबसेंट था। नेक्स्ट पॉइंट बोनी आर्मर प्रेजेंट, बोनी आर्मर पाया जाता था, बोनी आर्मर प्रेजेंट। नेक्स्ट पॉइंट एनएफसीड स्केल, ए एन ए एस एन एस पी डी, ए एन ए एस पी आई डी स्केल, एस सी ए एल ई। नेक्स्ट पॉइंट टर्मिनल माउथ पाया जाता था, टर्मिनल माउथ। नेक्स्ट 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स, 15 जोड़ी गिल स्लिट्स पाई जाती थी, 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स। नेक्स्ट लॉन्ग डॉर्सल फिन प्रेजेंट, लॉन्ग डॉर्सल फिन पाया जाता था, लॉन्ग डॉर्सल फिन पाया जाता था। हेट्रो सर्कल कॉडल फिन प्रेजेंट, एच ई टी ई आर ओ सी ई आर सी एल, हेट्रो सर्कल कॉडल फिन प्रेजेंट, हेट्रो सर्कल कॉडल फिन पाया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है पेयर्ड लेटरल लाइन, पेयर्ड लेटरल फिन्स, लेटरल लाइन नहीं लेटरल फिन्स फोल्ड प्रेजेंट, पेयर्ड पी ए आई आर ई डी पेयर्ड लेटरल फिन फोल्ड पाए जाते थे, पेयर्ड लेटरल फिन फोल्ड्स वर प्रेजेंट, फिन फोल्ड्स वर प्रेजेंट, डब्ल्यू ई आर ई। नेक्स्ट है ऑर्डर टीरो स्पीडोमॉर्फी, टीरो स्पीडोमॉर्फी, पी पीकॉक वाला पी लिखें, पी टी ई आर ओ, पी टी ई आर ओ एस पी आई डी ओ एम ओ आर पी एच आई, फिर से मिलाएं स्पेलिंग, टीरा स्पी डो मॉर्फी, पी टी ई आर ए है, आर ए
एस पी आई डी ओ एम ओ आर पी एच आई, ब्रैकेट लिखें टेरा टेरा स्पीडा पी टी ई पी टी ई आर ए एस पी आई डी ए पी टी ई आर ए एस पी आई डी ए लिखें। नेक्स्ट पॉइंट क्या, दे लिव्ड इन कैम्ब्रियन एंड डिवोनियन पीरियड, कैम्ब्रियन तथा डिवोनियन पीरियड में पाए जाते थे। दे लिव्ड इन लिव्ड एल आई वी ई डी लिव्ड इन कैम्ब्रियन एंड डिवोनियन पीरियड सी ए एम बी आर आई ए एन कैम्ब्रियन एंड डिवोनियन पीरियड डी ई वी ओ एन आई ए एन। नेक्स्ट पॉइंट, हेड तथा बॉडी का एंटीरियर पार्ट, हेड एंड एंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी, हेड तथा बॉडी का एंटीरियर पार्ट डॉर्सल शील्ड से कवर्ड होता था, हेड एंड एंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी कवर्ड बाय डॉर्सल शील्ड, हेड तथा बॉडी का अग्रभाग एंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी कवर्ड बाय डॉर्सल शील्ड, हेड एंड एंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी कवर्ड बाय डॉर्सल शील्ड एस एच आई ई एल डी। रोस्ट्रम प्रेजेंट, रोस्ट्रम पाया जाता था, रोस्ट्रम प्रेजेंट, रोस्ट्रम पर मीडियन स्पाइन होता था, मीडियन स्पाइन प्रेजेंट ऑन रोस्ट्रम, रोस्ट्रम पर मीडियन स्पाइन पाया जाता था। डॉर्सल शील्ड का निर्माण 11 से अधिक प्लेट्स होता था, डॉर्सल शील्ड का निर्माण 11 से अधिक है ना, 11 से अधिक प्लेट से होता था। डॉर्सल शील्ड कंस्ट्रक्टेड ऑफ मोर देन 11 प्लेट्स, मोर देन 11 प्लेट्स, ब्रैकेट लिखें वन रोस्ट्रल आर ओ एस टी आर एल कॉमा वन पीनियल वन डॉर्सल टू ऑर्बिटल टू ब्रैंकियल टू ऑर्बिटल टू ब्रैंकियल टू कर्नुअल सी ए आर एन यू ए एल सिंगल वेंट्रल एक वेंट्रल तथा एंड मैनी ओरल प्लेट्स तथा अनेक ओरल प्लेट्स तथा अनेक ओरल प्लेट्स, ब्रैकेट बंद कर दें। बॉडी का शेष भाग स्केल्स के द्वारा कवर्ड था, रेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, रेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी कवर्ड बाय स्केल्स, बॉडी का शेष भाग स्केल्स के द्वारा कवर्ड था। एग्जांपल लिखें फिलोडस पी एच ई एल ओ डी यू एस पी एच ई एल ओ डी यू एस। नेक्स्ट एग्जांपल है टेरासिप्स पी टी ई आर ए एस पी आई एस पी टी ई आर ए एस पी आई एस आदि ई टी सी। तीसरा ऑर्डर लिखें सेफे लेस्पीडा सी ई पी एच ए सी ई पी एच ए एल ए एस पी आई डी ए, ब्रैकेट लिखें ऑस्ट टे स्ट्रासी ऑप्स ऑस्ट टे स्ट्रेसी ओ पी सॉरी ओ एस पी टी ए एस टी आर ए सी आई ओ एस पी टी ए एस टी आर ए सी आई। पहला पॉइंट, दे लिव्ड इन सिलूरियन एंड डिवोनियन पीरियड, ये सिलूरियन तथा डिवोनियन पीरियड में पाए जाते थे, सिलूरियन एस आई एल यू आर आई ए एन तथा डिवोनियन पीरियड में पाए जाते थे। नेक्स्ट पॉइंट, हेड प्रोटेक्टेड बाय शील्ड, हेड पर शील्ड पाई जाती थी, हेड प्रोटेक्टेड बाय शील्ड एस एच आई ई एल डी हेड पर शील्ड पाई जाती थी। नेक्स्ट, फिश लाइक बॉडी, इनकी बॉडी फिश लाइक थी, फिश लाइक बॉडी मीडियन डॉर्सल फिन
तथा हेट्रो सर्कुलर टेल पाई जाती थी। मीडियन डॉर्सल फिन एंड हेट्रो सर्कुलर टेल वर प्रेजेंट। मीडियन डॉर्सल फिन तथा हेट्रो सर्कुलर टेल पाई जाती थी। नेक्स्ट पॉइंट, पेयर्ड पेक्टोरल फिन प्रेजेंट। पेयर्ड PAIRED पेयर्ड पेक्टोरल फिन पाए जाते थे। पेयर्ड पेक्टोरल फिन प्रेजेंट। हेड पर स्केल पाए जाते थे। हेड कवर्ड विद स्केल। हेड कवर्ड विद स्केल। हेड पर स्केल्स पाए जाते थे। हेड कवर्ड विद स्केल्स। नेक्स्ट पॉइंट है सिंगल नॉस्ट्रिल। सिंगल नॉस्ट्रिल पाया जाता था। सिंगल नॉस्ट्रिल पाया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट, नॉस्ट्रिल के ठीक पीछे पीनियल ओपनिंग पाई जाती थी। नॉस्ट्रिल के ठीक पीछे पीनियल ओपनिंग पाई जाती थी। पीनियल ओपनिंग प्रेजेंट जस्ट बिहाइंड द नॉस्ट्रिल। नेक्स्ट पॉइंट है स्मॉल गिल ओपनिंग की सीरीज पाई जाती थी। सीरीज ऑफ स्मॉल गिल ओपनिंग GILL गिल ओपनिंग वर प्रेजेंट। नेक्स्ट पॉइंट, इंटरनल स्केलेटन नहीं था। इसलिए फॉसिल्स के रूप में ये प्रिजर्व नहीं हुए। सो दे आर नॉट प्रिजर्व एज ए फॉसिल्स। इसलिए फॉसिल रूप में प्रिजर्व नहीं हुए। नेक्स्ट पॉइंट, एग्जांपल लिखें सेफेलेस्पिस CEPHALASPIS। नेक्स्ट ऑर्डर है फोर्थ ऑर्डर, ऑर्डर एनएसपीडा ANASPIDA। पहला पॉइंट, स्ट्रीम लाइन बॉडी शेप। नेक्स्ट पॉइंट, बॉडी पर प्लेट लाइक बोनी स्केल पाए जाते थे। बॉडी पर प्लेट लाइक बोनी स्केल्स पाए जाते थे। इन स्केल्स को एनएफसीड स्केल कहते हैं। दी स्केल्स आर नोन एज एनएफसीड स्केल ANASPID एनएफसीड स्केल लिखा, जो कि दो लॉन्गिट्यूडनल रो में अरेंज थे। विच अरेंज इन टू लॉन्गिट्यूडनल रो, जो कि दो लॉन्गिट्यूडनल LONGITUDINAL दो लॉन्गिट्यूडनल रो ROWS दो लॉन्गिट्यूडनल रो में अरेंज थे। दे अरेंज इन टू लॉन्गिट्यूडनल रो। नेक्स्ट पॉइंट, टर्मिनल माउथ। इनका माउथ कैसा था? टर्मिनल माउथ। नेक्स्ट पॉइंट, सिंगल नॉस्ट्रिल। इनमें केवल एक नॉस्ट्रिल पाया जाता था, सिंगल नॉस्ट्रिल। नेक्स्ट पॉइंट, पेयर्ड फिन एब्सेंट। इनमें पेयर्ड फिन नहीं पाए जाते थे। पेयर्ड फिन एब्सेंट PAIRED पेयर्ड फिन नहीं पाए जाते थे। लेकिन बट पेक्टोरल स्पाइन, पेयर ऑफ पेक्टोरल स्पाइन प्रेजेंट। बट ए पेयर ऑफ पेक्टोरल स्पाइन वर प्रेजेंट। लेकिन एक जोड़ी पेक्टोरल स्पाइन पाए जाते थे। पेक्टोरल स्पाइन पाए जाते थे। नेक्स्ट पॉइंट, नो फंक्शनल जॉ। इनमें फंक्शनल जॉ नहीं था। नेक्स्ट, लेटरली प्लेस्ड आईज। इनकी आईज कैसी थी? लेटरली प्लेस्ड आईज। नेक्स्ट पॉइंट है सिलूरियन तथा डिवोनियन पीरियड में पाए जाते थे। दे वर लिव्ड इन सिलूरियन एंड डिवोनियन पीरियड। SILURIAN सिलूरियन तथा डिवोनियन पीरियड में पाए जाते थे। दे वर लिव्ड इन सिलूरियन एंड डिवोनियन पीरियड।
नेक्स्ट पॉइंट, सरफेस फीडर थे, सरफेस फीडर, सरफेस फीडर एफ डबल ई डी आर, एग्जाम्पल लिखे बिरकेनिया बी आई आर के ई एन आई ए, बी आई आर के ई एन आई ए. नेक्स्ट एफिनिटीज ऑफ ऑस्ट्रेकोडन, एफिनिटीज ऑफ ऑस्ट्रेकोडन पहले लिखें रिजेम्बलेंस विद साइक्लोस्टोम्स, रिजेम्बलेंस विद साइक्लोस्टोम्स पहला पॉइंट. जॉलेस माउथ, इनके माउथ में जॉ नहीं पाए जाते थे. नेक्स्ट पॉइंट एब्सेंस ऑफ पेयर्ड फिन, पेयर्ड फिन एब्सेंट थे, एब्सेंस ऑफ पेयर्ड फिन, पेयर्ड फिन नहीं पाए जाते थे. सिंगल मीडियन नॉस्ट्रिल पाया जाता था, सिंगल मीडियन नॉस्ट्रिल प्रेजेंट, सिंगल मीडियन नॉस्ट्रिल पाया जाता था, सिंगल मीडियन नॉस्ट्रिल प्रेजेंट. नेक्स्ट पॉइंट पीनियल आईज प्रेजेंट, पीनियल आईज पाई जाती थी, पी ई एन आई एल, पीनियल आई पाई जाती थी. पीनियल आईज समझते ना, जिसको हम थर्ड आई भी बोलते हैं, पीनियल आईज प्रेजेंट, पीनियल आई पाई जाती थी. डिफरेंसेस देखें, ऑस्ट्रेकोडर्म, ऑस्ट्रेकोडर्म में बोनी एक्सोस्केलेटन पाया जाता है, ऑस्ट्रेकोडर्म्स, ऑस्ट्रेकोडर्म्स में एक्सटर्नल बोनी स्केलेटन पाया जाता था. ऑस्ट्रेकोडर्म्स मार्क्ड बाय एम ए आर के डी, मार्क्ड बाय एक्सटर्नल बोनी स्केलेटन, एक्सटर्नल बोनी स्केलेटन. नेक्स्ट पॉइंट साइक्लोस्टोम की स्किन स्मूथ व स्केलस होती है, साइक्लोस्टोम की स्किन, स्किन ऑफ साइक्लोस्टोम सी वाई सी एल ओ एस टी ओ एम ई, साइक्लोस्टोम की स्किन स्मूथ तथा स्केलस होती है, स्किन ऑफ साइक्लोस्टोम इज स्मूथ एंड स्केललेस. नेक्स्ट पॉइंट ऑस्ट्रेकोडर्म में एंडोस्केलेटन नहीं था, एंडोस्केलेटन एब्सेंट इन ऑस्ट्रेकोडर्म, जबकि साइक्लोस्टोम में वेयर एज नोटोकॉर्ड एंड कार्टिलेजिनस स्केलेटन फाउंड इन साइक्लोस्टोम, जबकि साइक्लोस्टोम में नोटोकॉर्ड तथा कार्टिलेजिनस स्केलेटन पाए जाते थे, वेयर एज नोटोकॉर्ड एंड कार्टिलेजिनस स्केलेटन फाउंड इन साइक्लोस्टोम, जबकि साइक्लोस्टोम में नोटोकॉर्ड तथा कार्टिलेजिनस स्केलेटन पाया जाता है. देखिए ऑस्ट्रेकोडर्म में एंडोस्केलेटन नहीं था, जबकि साइक्लोस्टोम में नोटोकॉर्ड भी है और कार्टिलेजिनस स्केलेटन भी है. नेक्स्ट पॉइंट टर्मिनल सेक्टोरियल जॉलेस माउथ ऑस्ट्रेकोडर्म में पाया जाता है, टर्मिनल सेक्टोरियल जॉलेस माउथ फाउंड इन ऑस्ट्रेकोडर्म, ऑस्ट्रेकोडर्म में टर्मिनल सेक्टोरियल जॉलेस माउथ पाया जाता है, जबकि साइक्लोस्टोम में माउथ वेंट्रल सर्कुलर सेक्टोरियल तथा जॉलेस होता है, वेयर एज इन साइक्लोस्टोम माउथ इज वेंट्रल, जबकि साइक्लोस्टोम में माउथ वेंट्रल, माउथ इज वेंट्रल, माउथ वेंट्रल सर्कुलर तथा सेक्टोरियल जॉलेस होता है, एंड सेक्टोरियल जॉलेस जे ए डब्ल्यू एल ई डब्ल एस. नेक्स्ट हेडिंग है कंक्लूजन, आर्मर ऑस्ट्रेकोडर्म की ओरिजिन, आर्मर ए आर ए आर एम ओ यू आर ई डी, आर्मर्ड ऑस्ट्रेकोडर्म्स हैव बीन डेराइव्ड फ्रॉम अनआर्मर्ड, अनआर्मर्ड यू एन ए आर एम ओ यू आर ई डी, अनआर्मर्ड जेमोटियस जे ए जे ए एम ओ वाई टी आई यू एस, टी आई यू एस जे ए एम ओ वाई टी आई यू एस, आर्मर ऑस्ट्रेकोडर्म्स की ओरिजिन अनआर्मर, अनआर्मर देखा जेम जेमोआई टी एस से हुई है, अनआर्मर जेमआई टी एस से हुई है जे ए एम ओ वाई टी आई यू एस से हुई है ना, आपने लिख लिया ना आर्मर ऑस्ट्रेकोडर्म्स की ओरिजिन अनआर्मर्ड
जे मॉइटियस से हुई है। ये चैप्टर, ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। आप मेरे वीडियो लेक्चर को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें, जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो लेक्चर भेज सकूँ। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।